हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जेएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी स्टूडियो बीच ऑफ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो कैसे माय डियर, आप लोग शानदार जबरदस्त जहां होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो मेरी आवाज आ रही है क्या अब तक? अरे अमरजीत जी, बहुत दिन के बाद। अमरजीत, खुशबू, लेट्स क्रैक इट, गज्जू, क्या बात है। तो आज माय डियर, आपको फिर से मैं बता दूं कि वो सवाल देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में देखने को मिले हैं सीबीटी 1 में, और इसी बेस पर हम तैयारी करेंगे सीबीटी 2 की, या कहते हैं ग्रुप डी की, है ना। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बिल्कुल माय डियर, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। विकास जी, क्या हाल है भाई, बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? रोहित जांगीर, राधे राधे भाई, जूही कुमारी, गुड आफ्टरनून माय डियर। किरण साहब भी है, अच्छा रोस्टेड भी है भाई। देखो, अच्छा कार्तिक खत्म हो रहा है इसलिए रोस्टेड नाम रखा है क्या? कार्तिक खत्म हो रहा है इसीलिए। एग्जाम कब होगा बेटा? देखो, हम लोग भी संभावना जता रहे हैं कि नवंबर के एंड तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे सीबीटी 1 के, इसके बाद सीबीटी 2 का जो अनाउंसमेंट होगा, फिर ग्रुप डी का अनाउंसमेंट होगा, है ना। चलिए शुरुआत करें, 25 सवाल देखते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में। और याद रहे कि हमारी कई सारे क्लासेस, स्पेशल क्लासेस मिल रहे हैं आपको कहाँ पे? अनअकैडमी पे। तो आप सुबह 8:05 पे जरूर आइए, जो रेगुलर एसएससी को टारगेट कर रहे हम लोग मॉक टेस्ट देख रहे हैं। 10:05 पे मैं आपको बताऊं कि जो 10:05 वाली क्लास है ना, ये लगातार 320वां लेक्चर होगा कल। तो सोचो, एक माइलस्टोन हमने हासिल किया हम लोगों ने आपके सहयोग से, ये भी लगभग 200 लेक्चर तक पहुंचेंगे। तो जरूर जुड़िए हमारे स्पेशल क्लास में। आज 4:05 पे स्पेशल क्लास है, 6:05 पे स्पेशल क्लास है, और रात 10:05 पे स्पेशल क्लास है माय डियर, है ना। अरे बहुत 72 बहुत है गुलशन, कम नहीं है, उम्मीद कर सकते हैं बच्चे। और इसके अलावा बच्चे, मैं आपको बताऊं कि 17 तारीख कल 2 बैच शुरू हुआ था एसएससी और रेलवे कैटेगरी में, और एसएससी अभी जबरदस्त ऑफर दे रही है अकेडमी, क्या कि 15% प्लस 10। अब सोचो, आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे सर फी कम होनी चाहिए, तो भाई अब कम हो गया ना, 15% देखो अनअकैडमी, और 10% आप हमारे रेफरल कोड लगा लो। रेफरल कोड पता ही है क्या है, ये बाबा टीन। और मौके पे चौका मारो, क्योंकि कल 17 तारीख है और कल से ही 2 बैच शुरू हुए हैं एसएससी कैटेगरी में, जो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, और रेलवे कैटेगरी में जो स्टैटिक जीके। इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि मौका भी दस्तूर भी है। ज्वाइन जरूर करें माय डियर, ठीक है। ये आपके सामने देखो, ये स्पेशल प्राइस बिल्कुल कम करके कर दिया गया है, देखो लगभग 6,000, 2 साल, 1 साल का लगभग 5,000 है। जरूर ज्वाइन करिए, है ना। कितने पैसे बचेंगे? लगभग 2,000-1,500 पैसे बच रहे हैं आपके। रेलवे का टाइमिंग कितने बजे सर? 9:05 पे बचे, और एसएससी का 12:40 पे, याद रखिएगा बिल्कुल। और प्लस पे जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है आपके एजुकेटर के, ये फायदा आप जरूर उठाइए, और सफलता बिल्कुल जबरदस्त करिए, है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए रेफरल कोड क्या लगाएंगे? बाबा टेर भाई। आइए सवाल नंबर 1 देखें। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 1, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बताओ बच्चे क्या होगा? हाँ अभिजीत, ये एसएससी एंड बैंक के कॉम्बो पर भी, ना समझ में आएगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, है ना, कमेंट बॉक्स में बताना क्लास के बाद। तो भाई कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, कोझिकोड कोरल, यही कालीकट, याद होगा आपको 1498 में वास्को डिगामा का आगमन कहां पे हुआ था? कालीकट में हुआ था। किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक वर्णन किया? आपको मैं बता दूं कि अगर आप सीबीटी 1 एग्जाम दिया होगा तो बिल्कुल आपको हूबहू ऐसा ही सवाल देखने को मिले हैं, बताइए क्या होगा। किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक वर्णन किया था? गुलबदन बेगम, किस नाम से? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के नाम से। जरा बताइएगा कि कितने मुगल बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपना बायोग्राफी लिखा, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, ऑटोबायोग्राफी बच्चे, कितने ऐसे मुगल बादशाह हैं जिसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है? तो कितने ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपना खुद का ऑटोबायोग्राफी लिखा है, जरा बताइएगा कौन कौन है? तो मेरे हिसाब से एक बाबर होगा बिल्कुल, जो तुजुके बाबरी के नाम से, और दूसरा जहांगीर, जो तुजुके जहांगीरी के नाम से, दो मुख, है ना। थीपुसुम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर,
और जहांगीर, बिल्कुल सही दो। और ऐसे देखोगे तो कई लोग मुगल बादशाह के बायोग्राफी हैं, जैसे अकबर का अबुल फजल लिखता है ना। तो थिपुसम त्यौहार बच्चे तमिल समुदाय, तमिल भाषा कहाँ, तमिलनाडु। तेलुगु कहाँ बोला जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र। मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरल में, केरल में, है ना, याद रखिएगा। बिल्कुल, भारत का सर्वोच्च हवाई अड्डा, इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, भारत का जो सर्वोच्च हवाई अड्डा है जो ऊंचाई पर स्थित है वो कौन सा है, गुवाहाटी असम, तिरुवनंतपुरम केरल, कोझिकोड केरल, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर चार, तमिल ओह, बिल्कुल तमिल ओह, ओल्डेस्ट लैंग्वेज तमिल। हाँ मोहन, ओल्डेस्ट लैंग्वेज नहीं, ओल्ड क्लासिकल लैंग्वेज कह दो आप तो ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे ऊंचा जो है वो लद्दाख है। लद्दाख का नाम बताइएगा, एयरपोर्ट का क्या है, लद्दाख एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का नाम बताना क्या है, एयरपोर्ट का नाम क्या है, लद्दाख एयरपोर्ट का नाम बताइएगा क्या है। सुमित, ऐसा मैं देखता हूं कि क्यों प्लेलिस्ट इस सीरीज का नहीं मिल रहा है, सो ठीक है। लद्दाख एयरपोर्ट का नाम की बात करें तो क्या है, कुशोक बकुला रिम्पोचे। अभी मिश्रा का जवाब, बिल्कुल विकास ने भी नहीं, कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा जो लेह में स्थित है सबसे ऊंचा है। समुद्र तल पे देखोगे तो लगभग 3256 मीटर ऊंचाई, जो 22वां उच्चतम वाणिज्यिक हवाई अड्डा माना जाता है, है ना। तेलंगाना का गठन दिवस, आसान सवाल, तेलंगाना फॉर्मेशन डे, और ये जीडी में भी पूछा, आपको याद होगा कि जीडी में भी पूछा है तेलंगाना का गठन दिवस। हाँ, हाईएस्ट थिएटर भी लद्दाख, जो अभी हाल ही में चर्चा में आया है। तो बच्चे तेलंगाना फॉर्मेशन की बात करें, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी 29वां राज्य के रूप में। किस राज्य के रूप में, 29वां राज्य के रूप में। अब एक चीज देखिए, समझिएगा कि कितने राज्य जो हुए हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, जो लास्टली 2000 ईस्वी से समझना। जैसे शुरुआत करें हम 1 नवंबर 2000 को, लिखते जा बच्चे, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, ये तीन हो गया। इसके बाद तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को, और फिर लास्टली आप देखोगे तो भैया 31 अक्टूबर 2019 को दो जम्मू कश्मीर को काटा गया, और इसे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बनाया गया, दो यूटी। और फिर आप देखोगे कि 26 जनवरी 2020 को फाइनली दो यूटी को मिला दिया गया। कौन कौन भाई, तो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, जिसके कैपिटल दमन है। यानी इस हिसाब से भारत में अब देखेंगे तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया हो तो जरा लाइक ठोक देना सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी, है ना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तारीख को मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, 20 जून, 23 जून, 26 जून या 24 अक्टूबर, तो कब मनाते बच्चे, 23 जून को। अगर केवल यूएन डे की बात करते ना तो 24 अक्टूबर लगाते, तो क्या पूछा, यूनियन यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, देख रहो ये रेलवे खेल खेल दिया बच्चे ने, लगभग बच्चे ने 24 अक्टूबर बनाया, लगभग बच्चों ने, देखो अभी देखो खुशबू जी का जवाब 24, देख रहे हो 24, मोहन का भी जवाब 24, कर बैठे गलती, तो 23 जून, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को वैश्विक बाघ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है,
26 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टाइगर डे ऑन, इंटीपीसीडीएल बच्चे नवंबर के एंड तक 29 जुलाई टाइगर, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, वेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो आपको याद होगा विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें 11 जुलाई, बहुत आसान सवाल है। अब जरा साहब बताइएगा कि नेशनल पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? नेशनल सेंसस डे या सेंसस कह दें, सेंसस डे कब मनाते हैं? राष्ट्रीय जनगणना दिवस कब मनाते हैं, है ना? 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर डे, पोस्टल वर्कर डे, कैनेडा डे, ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन नंबर 29। कोई तो बता दो, राष्ट्रीय जनगणना दिवस, ऑल ऑफ द अबव, डॉक्टर डे, पोस्टल वर्कर डे, कैनेडा डे, सब 1 जुलाई को मनाया जाता है ना? तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, पोस्टल वर्कर्स डे, कैनेडा दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, यूएस डाक दिवस, राष्ट्रीय गिंगन शॉप दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, कई सारे डे, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयन दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है, बताओ? नेशनल सेंसस डे मैं तो बता ही दूंगा, नेशनल सेंसस डे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया द रेफरेंस डेट विल बी द फर्स्ट, बताओ बच्चे कब मनाते हैं? शिव किला, क्या बात है, क्या होगा भाई? कौन सा हिमालयन दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में। शिव किला इज करेक्ट। समुद्र में ज्वार भाटे किसके कारण देखने को मिलते हैं? 11 नवंबर, देख रहा है, बताओ क्या होगा? गूगल बिना बताया बच्चे, आपको याद होगा कि भारत में जो सिपकीला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के पास है, यहीं से सतलज नदी इंटर करती है। बिल्कुल, देखो अभी किसी ने बताया, विकास ने बता दिया, है ना? तो समुद्र में ज्वार भाटे किसके कारण होते हैं देखने को मिलेगा? चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, सूर्य चंद्रमा क्या होगा? तो भाई सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अगर अच्छा बता, दोनों में तुलना करें सूर्य और चंद्रमा की, तब क्या होगा? चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक है, है ना? कौन सा महासागर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, बताइए? मैं ही बता दे रहा हूं, नेशनल सेंसस डे की बात करें तो फरवरी 9 को सेलिब्रेट करते हैं। 9 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि पहली बार जो जनगणना आजादी के बाद हुआ था ना, वो 9 फरवरी 1951 को हुआ था, इसीलिए याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके शिफ्ट में था, क्या बात है। तो हिंद महासागर बच्चे, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच की बात करें तो कौन है? हिंद महासागर है ना। नेक्स्ट, बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर में शामिल होने वाले नहर, द कैनाल ज्वाइनिंग बाल्टिक सी टू द नॉर्थ सी, नील नहर, कील नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? भैया आप क्या करना है, बाल्टी को उल्टा करके कील मार देनी है, कील कैनाल, है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दुनिया के सबसे छोटा महासागर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, और याद रखिएगा आज 1:30 PM पे ज्योग्राफी ही है, आज 1:30 PM पे ज्योग्राफी है, मुझ मत करना बिल्कुल। तो क्या आर्कटिक, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, कितने पैसा
दैट मीन्स पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, अटलांटिक, फिर इंडियन, फिर सदर्न, नासा भी मान्यता दे दिया जिसको अंटार्कटिक कहते हैं, और आर्कटिक सबसे छोटा। कौन सा जल डमरू मध्य एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज अ टनल कनेक्ट द यूके एंड फ्रांस? डेविस जल डमरू मध्य, डेनमार्क जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर। क्या बोला? यूके और फ्रांस को जोड़ने की बात किया। यूके और फ्रांस, ये देखो लंदन, ये यूके है और ये फ्रांस है, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है ना, ठीक है। नेक्स्ट, सार्गासो सागर किसका हिस्सा? देख लो, कई बार पढ़ा चुके हैं। सार्गासो सी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ सी, क्वेश्चन नंबर 16। इस सीरीज को बिल्कुल बरकरार रखिए, जैसे रिजल्ट आएगा फिर बेसिक शुरू करेंगे यहां से। किसके लिए? सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, याद रखिएगा। क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब देखोगे ये सार्गासो सी है जिसका कोई भी तट नहीं है, जिसका कोई भी कोस्टल नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक सी ओशियन जो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया यूरोप को कनेक्ट करता है, सार्गासो सी है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, द गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एलिफेंट, एशियाटिक लायन, वन होर्न राइनो या गोल्डन लंगूर, क्वेश्चन नंबर 17। गिर नेशनल पार्क की बात करें, एशियाटिक लायन के लिए मशहूर है, जो कहां? गुजरात में। कहां ये? गुजरात में है ना। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर भारत में निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्यों में से स्थित है? सोलेयार टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, क्वेश्चन नंबर 18। तो प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर जो कहा केरल में है, कहां पे? केरला में है, जो पेरियार टाइगर रिजर्व में है। कहां पे? पेरियार टाइगर रिजर्व। परम्बिकुलम ना है भैया, परम्बिकुलम ना है, बिल्कुल याद रख लो। कहां पे? पेरियार टाइगर रिजर्व। देख लो कितने लोगों की गलती है। अच्छा, सब लोग बी कर रहे हो, ओ माय गॉड, कोई तो कह दो सी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य कहां स्थित है? केरल में। कहां? केरल के, केरल में कहां? गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग, नागवा, इडुकी। ऐसे ही सवाल अब गलती करके आते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आप गलती करके आते हो और फिर कहते हो सर हमने तो इतना क्वेश्चन सही किया था लेकिन इतना ही मार्क्स आया है। इडुक्की, कहां पे ये? इडुक्की है। कौन सा मंदिर विश्व के सबसे अमीर हिंदू मंदिर है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, क्वेश्चन नंबर 20। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज द वर्ल्ड रिचेस्ट हिंदू टेम्पल? क्या होगा? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहां पे? केरल। ये भी कहां है बच्चे? केरल में। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अमीर मंदिर है जो केरल के तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में स्थित है, जो अपने है ना याद रखिएगा बिल्कुल। मालथियन टेक्निकल क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? कीटनाशक, मलेरिया रोधी दवा, एंटी टीबी ड्रग या गैर अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, क्वेश्चन नंबर 21। बताओ क्या होगा? कीटनाशक है बच्चे, मालाथियन टेक्निकल क्या है? एक कीटनाशक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून वर्ष की किस अवधि में होता है? जुलाई अगस्त, जून सितंबर, सितंबर दिसंबर, अगस्त नवंबर, क्वेश्चन नंबर 22। क्या होगा? देखो अब अगर देखोगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करता है, सबसे ज्यादा बारिश
किससे होता है? भारत में, भारत में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा वर्षा किससे होगा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और अगर दक्षिण पश्चिम पश्चिम मानसून की बात करें माय डियर, तो ये केरल में इंटर करता है। जो कब कब इंटर करता है तो याद होगा जून के महीने में, 1 से 5 जून के बीच में, 1 से 5 जून के बीच में। ये साउथ वेस्ट मानसून है ना। अभी देखोगे कि मानसून खराब है तो रिट्रीट मानसून, लौटता हुआ मानसून, रिट्रीट मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहां? तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है, याद रखिएगा, जो अभी हो रहा है ना। भारतीय स्टेट बर्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 15 पक्षियों को चिंता के विषय प्रजातियों के बीच झंडी दी गई है? तमिलनाडु, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 23। दीपा जी पता नहीं ये चैनल को श्राप मिला हुआ है कि बच्चों को टाइम आउट कर दिया जाए। मुझे भी समझ नहीं आता कि यार इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं। देख रहे हो बच्चे इसलिए तो मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि सर पता नहीं आप टाइम आउट करते हो, मुझ पर गुस्सा होते हैं, जबकि मैं खुद टाइम आउट नहीं करता, बताओ क्यों करूंगा। तो केरल, भारतीय स्टेट बर्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 15 पक्षियों को चिंता का विषय प्रजातियों के बीच रखा गया? केरल में रखा गया है ना। पेट्राडवा डेसियन किला किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है? फ्रांस, रोमानिया, बुल्गारिया, चिली, क्वेश्चन नंबर 24। पेट्राडवा डेसियन किला किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल है? यह रोमानिया में है। कहां पे? वैक्सीन, बेटा वैक्सीन तो है, बार बार बोला गया है, यूट्यूब से बात की गई है, अब यूट्यूब पता नहीं लॉलीपॉप दे देता है, वैक्सीन दे तब तो। किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी है? बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, थाईलैंड, नामीबिया, क्वेश्चन नंबर 25। तो विच कंट्री है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन? किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी है? बोत्सवाना। 12 अगस्त को हम एलिफेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और हाथी की बात करें तो माय डियर 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया है। हाँ, सफेद हाथियों का देश अगर पूछे तो थाईलैंड है, इसीलिए आप लोग थाईलैंड लगा दिए, इसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को, सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को, इसीलिए आपने थाईलैंड लगा दिया है ना। बोत्सवाना का कालाहारी, दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा बिल्कुल। तो बच्चे ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं कि तरीका पता आ रहा होगा कि भैया सीबीटी 1 में हमने गलती क्या किया था और सीबीटी 2 या ग्रुप 2 में गलती नहीं करना है। तो इस बार जो फायदा दे रही है अनअकैडमी, अभी मैच 17 तारीख से बैच शुरू हुआ था, मैच चला अब यहां से कहां, तो प्लस पे पढ़ाने जो 12:40 पे है। और आज दूसरे लेक्चर तो है एसएससी कैटेगरी में, पॉलिटी जो शुरू किए हैं, दूसरा ही लेक्चर है, तो आप जरूर ज्वाइन करें वहां पे और इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। चाहे बैंक एग्जाम हो, चाहे एसएससी एग्जाम हो, रेगुलेटरी बॉडीज हो, सब में ये बिल्कुल ऑफर काम करेगा, ठीक है। तो सर प्राइस कितने लगेंगे दोनों से? स्पेशल से 15 और जो अनअकैडमी दे रही हो 10% जो है वो आपका बाबा टीन दे देगा। तो टोटल देख लो, 2 साल का फी 5,967 और 1 साल का 4,973। आप यकीन मानो बच्चे कि इतने कम प्राइस में इतना जबरदस्त ऑफर, मौका जाने मत देना है ना। लिमिटेड पीरियड ऑफर, आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। और रेलवे का टाइमिंग कितने बजे? तो 9:05 बच्चे, जो आज दूसरा लेक्चर था। अनअकैडमी एसएससी स्कॉलरशिप टेस्ट प्रत्येक संडे को कॉम्बेट होता है, तो दोपहर 12 बजे पार्टिसिपेट जरूर करिएगा है ना। और एक सबसे नया फीचर कि लाइव क्लास में प्लस पे आप अपने एजुकेटर से बात करके प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करेंगे? रेफर कोड बाबा टेन, याद रहे 15% और 10%, अभी फायदा जरूर उठाइए है ना। चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे अभी 1:30 PM पे, कहाँ? वाईफाई स्टडी पे, जो आज ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, लव यू, टेक केयर।